अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग क्रेज में आज बेकिंग स्पेशल में बन रहा है जियोट केक, और ये केक मैं आज अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करूँगी जिनकी आज एनिवर्सरी है। तो हैप्पी एनिवर्सरी अम्मी अब्बू, और इस केक को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त केक है। देखिए, जियोट केक के लिए मैंने यहाँ पे 4 eggs का, यानी कि 4 अंडों का नॉर्मल केक चॉकलेट केक स्पंज लिया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक नॉर्मल ब्रश था, उससे मैं इस पर कट लगाऊंगी। आप कट देखिए मैं किस तरह लगा रही हूँ, ऊपर भी वी शेप और नीचे भी वी शेप। कट पहले से अगर आप लगा लेंगे तो आपको ये पीस सेपरेट करना बहुत इजी रहेगा। ये देखें, मैं दूसरे डायमेंशन भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है। ये देखें, मैं इसको कट कर रही हूँ। आप नोट करें, ये ऊपर से भी वी है और नीचे से भी वी शेप में है, ठीक है। और फिर ये देखें, मैंने इधर से भी मैंने डबल कैमरा यूज़ करते हुए जितना हो सकता है आपके लिए क्लियर वीडियो बनाने की कोशिश की है, ठीक है। सेंटर से भी स्लाइस को थोड़ा सा कट कर दें ताकि निकालना आसान हो। ये देखें, मैंने निकाल लिया। अब ये जो पार्ट्स है, एम्प्टी पार्ट्स है खाली, इसमें आपने चॉकलेट गनाश अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने चॉकलेट गनाश अप्लाई किया। अब मैंने यहाँ पे शुगर रॉक मिश्री लिया है, और मिश्री में मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लूँगी। ये देखें, मैं इसमें मैंने ऑरेंज यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसमें फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया है, और आप इसमें और भी नीटनेस ला सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गोल्डन डस्ट में लाइट सा कुकिंग ऑयल मिलाया है और इसे मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसी गोल्डन डस्ट से इन शुगर रॉक्स को कलर करूँगी, लाइट लाइट सा टच, ताकि एक अच्छा सा जो है लुक आ जाए, ठीक है। और बहुत अच्छा सा गॉर्जियस सा लुक भी आ रहा है, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी केक है। ये देखें, ज़बरदस्त। और देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह डन है। और मैं अपने इस वीडियो के थ्रू अपने पेरेंट्स को हैप्पी एनिवर्सरी भी कहना चाहूँगी, अम्मी अब्बू को। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा लुक देने के लिए इसमें क्या किया है, इस साइड में मेरे पास थोड़े से वर्मी चिली स्प्रिंकल्स थे गोल्डन कलर में, वो भी मैंने साइड में लगा दिया है। मैंने ऊपर भी थोड़ा सा गोल्डन डस्ट अप्लाई किया था ब्रश से, आपने देखा होगा, नोट किया होगा। और ये केक बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आप जब बनाएंगे तो और भी अच्छी तरह क्रिएटिव बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अम्मी अब्बू को हैप्पी एनिवर्सरी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।